किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित कहानी इंदुमती सन 1900 में लिखी गई ये कहानी इतिहास की पहली हिंदी कहानी भी मानी जाती है। इंदुमती अपने बूढ़े पिता के साथ विंध्याचल के घने जंगल में रहती थी। जब से उसके पिता वहां पर कुटी बनाकर रहने लगे तब से वो बराबर उन्हीं के साथ रही, ना जंगल के बाहर निकली, ना किसी दूसरे का मुंह देख सकी। उसकी अवस्था 4-5 वर्ष की ही थी जब उसकी माता का परलोकवास हुआ और जब उसके पिता उसे लेकर वनवासी हुए। जब से वो समझने योग्य हुई तब से नाना प्रकार के वनैले पशु पक्षियों, वृक्षावलियों और गंगा की धारा के अतिरिक्त ये नहीं जानती थी कि संसार व संसारी सुख क्या है और उसमें कैसे कैसे विचित्र पदार्थ भरे पड़े हैं। फूलों को बीन बीन कर माला बनाना, हरिणों के साथ कलोल करना, दिन भर वन वन घूमना और पक्षियों का गाना सुनना, बस यही उसका काम था। वो ये भी नहीं जानती थी कि मेरे बूढ़े पिता के अतिरिक्त और कोई भी मनुष्य संसार में है। एक दिन वो नदी में अपनी परछाई देखकर बड़ी मोहित हुई, पर जब उसने ये जाना कि ये मेरी परछाई है तब वो बहुत लज्जित हुई। यहां तक कि उस दिन से फिर कभी उसने नदी में अपना मुख नहीं निहारा। गर्मी की ऋतु, दोपहर का समय, जब उसके पिता अपनी कुटी में बैठे हुए गीता की पुस्तक देख रहे थे, वो नदी किनारे पेड़ों की ठंडी छाया में घूमती, फूलों को तोड़ तोड़ नदी में बहाती हुई कुछ दूर निकल गई थी कि एकाएक चौंक कर खड़ी हुई। उसने एक ऐसी वस्तु देखी जिसका उसे स्वप्न में भी ध्यान न था और जिसके देखने से उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने क्या देखा कि एक बहुत ही सुंदर 20-22 वर्ष का युवक नदी के किनारे पेड़ की छाया में घास पर पड़ा सो रहा है। इंदुमती ने आज तक बूढ़े पिता को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। वो अभी तक यही सोचे हुए थी कि यदि संसार में और भी मनुष्य होंगे तो वो भी मेरे पिता की ही भांति होंगे और उनकी भी दाढ़ी मूछें पकी हुई होंगी। उसने जब अच्छी तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उस परम सुंदर युवक को देखा तो अपने मन में ही निश्चय किया कि मनुष्य तो ऐसा होता नहीं है, हो ना हो ये कोई देवता होंगे, क्योंकि मेरे पिता जब देवताओं की कहानी सुनाते हैं तो उनके ऐसे ही रूप रंग बतलाते हैं। ये सोचकर वो मन में कुछ डरी और कुछ दूर पेड़ की ओट में खड़ी हो टकटकी बांध उस युवक को देखने लगी। मारे डर के युवक के पास तक ना गई और उसकी सुंदरता से मोहित हो कुटी की ओर भी अपना पैर ना बढ़ा सकी। यूं ही घंटों बीत गए पर इंदुमती को ना जान पड़ा कि मैं कितनी देर से खड़ी खड़ी उसे निहार रही हूं। बहुत देर पीछे वो अपना जी कड़ा करके वृक्ष की ओट से निकलकर युवक के आगे बढ़ी। दो ही चार डग चली होगी कि एकाएक युवक की नींद खुल गई और उसने अपने सामने एक परम सुंदरी देवी मूर्ति को देखा जिसके देखने से उसके आश्चर्य की सीमा न रही। मन ही मन सोचने लगा, इस भयानक घनघोर जंगल में ऐसी मनमोहिनी परम सुंदर स्त्री कहां से आई? ऐसा रूप रंग तो बड़े बड़े राजाओं के रनिवास में भी दुर्लभ है, सो इस वन में कहां से आ गया? या तो मैं स्वप्न में स्वर्ग की सैर करता हूं या किसी देव कन्या या वन देवी ने मुझे छलने के लिए दर्शन दिया होगा। यही सब सोच विचार करता हुआ वो भी पड़ा पड़ा इंदुमती की ओर निहारने लगा। दोनों की रह रहकर आंखें चार हो जाती जिससे अचरज के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं झलकता था। यूं ही परस्पर देखभाली होते होते एकाएक इंदुमती के मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हो आया जिससे वो इतनी लज्जित हुई
कि उसकी आंखें नीची और मुख लाल हो गया। वो भागना चाहती थी। चट युवक उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सुंदरी, तुम देव कन्या हो या वनदेवी हो, चाहे कोई हो, पर कृपा कर तुमने दर्शन दिया है तो जरा सी दया करो। ठहरो, मेरी बात सुनो, घबराओ मत। यदि तुम मनुष्य की लड़की हो तो डरो मत। क्षत्रिय लोग स्त्रियों की रक्षा करने के सिवा बुराई नहीं करते। सुनो, यदि तुम सचमुच वनदेवी हो तो कृपा कर मुझे इस वन से निकलने का सीधा मार्ग बता दो। मैं विपत्ति का मारा 3 दिन से इस वन में भटक रहा हूं, पर निकलने का मार्ग नहीं पाता। और जो तुम मेरी ही भांति मनुष्य जाति की हो तो मैं तुम्हारा अतिथि हूं। मुझे केवल आज भर के लिए टिकने की जगह दो। इससे और अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। युवक की बातें सुनकर इंदुमती ने मन में सोचा कि तो क्या ये देवता नहीं है, हम लोगों की ही भांति मनुष्य है। हो सकता है, क्योंकि जो ये देवता होते तो ऐसी मीठी मीठी बातें बनाकर अतिथि क्यों बनते। देवताओं को कमी किस बात की है, और वे क्या नहीं जानते जो हमसे वन का मार्ग पूछते। तो ये मनुष्य ही होंगे, पर क्या मनुष्य इतने सुंदर होते और ऐसी मीठी बातें करते हैं। आहा, एक दिन मैं जल में अपनी सुंदरता देखकर ऐसी मोहित हुई थी, किंतु इनकी सुंदरता के आगे तो मेरा रूप रंग निरा पानी है। इस तरह सोचते विचारते उसने अपना सिर ऊंचा किया और देखा कि युवक अपनी बात का उत्तर पाने के लिए सामने एकटक लगा खड़ा है। ये देखकर वो बहुत ही अधीनताई और मधुर स्वर से बोली कि मैं अपने बूढ़े पिता के साथ इस घने जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटी में, जो एक सुहावनी पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई है, रहती हूँ। यदि तुम मेरे अतिथि होना चाहते हो तो मेरी कुटी पर चलो। जो कुछ मुझसे बनेगा, कंदमूल, फल फूल और जल से तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इतना कहकर वो युवक को अपने साथ ले पहाड़ी पगडंडी से होती हुई अपनी कुटी की ओर बढ़ी। उसने जो युवक से कहा था कि मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, सो केवल अपने स्वभाव के अनुसार ही कहा था, क्योंकि वो यही जानती थी कि ऐसी सुंदर मूर्ति को देख मेरे पिता भी मेरी भांति आनंदित होंगे। परंतु कुटी के पास पहुंचते ही उसका सब सोचा विचारा हवा हो गया। उसके सुख का सपना जाता रहा और वो जिस बात को ध्यान में भी नहीं ला सकती थी वो ही आगे आई, अर्थात वो बुढ़ा अपनी लड़की को पराए पुरुष के साथ आती हुई देखकर मारे क्रोध के आग हो गया और अपनी कुटी से निकलकर युवक के आगे खड़ा हो यूं कहने लगा, अरे दुष्ट, तू कौन है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है जो तू बेधड़क मेरी कन्या से बोला और मेरी कुटी पर चला आया? तू जानता नहीं कि जो मनुष्य मेरी आज्ञा के बिना इस वन में पैर रखता है उसका सर काट दिया जाता है? अच्छा ठहर, अब तुझे भी प्राण दंड दिया जाएगा। इतना कह वो क्रोध से युवक की ओर घूरने लगा। बेचारी इंदुमती की विचित्र दशा थी। उसने आज तक अपने पिता की ऐसी भयानक मूर्ति नहीं देखी थी। वो अपने पिता का ऐसा अनूठा क्रोध देखकर पहले तो डरी, फिर अपने ही लिए युवा बटोही बेचारे का प्राण जाते देख जी कड़ाकर बुढ़े के पैरों पर गिर पड़ी और रो रोकर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर युवक के प्राण की भिक्षा मांगने लगी और अपने पिता को अच्छी तरह समझा दिया कि इसमें इस युवक का कोई दोष नहीं है, उसे मैं ही कुटी पर ले आई हूं। यदि इसमें कोई अपराध हुआ तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए।
कन्या की ऐसी अनोखी विनती सुनकर बुढ़ा कुछ ठंडा हुआ और युवक की ओर देखकर बोला कि सुनो जी, इस अज्ञान लड़की की विनती से मैंने तुम्हारा प्राण छोड़ दिया, परंतु तुम यहां से जाने ना पाओगे। कैदी की तरह जन्म भर तुम्हें यहां रहकर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी, और जो भागने का मंसूबा बांधोगे तो तुरंत मारे जाओगे। इतना कहकर जोर से बूढ़े ने सीटी बजाई, जिसकी आवाज दूर दूर तक वन में गूंजने लगी, और देखते देखते 20-25 आदमी हट्टे कट्टे यमदूत की सूरत, हाथ में ढाल तलवार लिए बुढ़े के सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखकर उसने कहा, सुनो वीरो, इस युवक को आज से मैंने अपना बंधुआ बनाया है, तुम लोग इस पर ताक लगाए रखना जिससे ये भागने ना पाए, और इसकी तलवार ले लो, बस जाओ। इतना सुनते ही वे सबके सब युवक से तलवार छीनकर सिर झुकाकर चले गए। पर इस नए तमाशे को देख इंदुमती के तो होश व हवास ही उड़ गए। जब से उसने होश संभाला, तब से आज तक बुढ़े को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी, पर आज एकाएक इतने आदमियों को अपने पिता के पास देखकर वो बहुत ही सक पकाई, पर डर के मारे कुछ बोली नहीं। बुढ़े ने युवक की ओर आंख उठाकर कहा, देखो अब तुम मेरे बंधुए हुए, अब से जो जो मैं कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। उसमें पहला काम तुम्हें ये दिया जाता है कि तुम इस सूखे पेड़ को काट काट कर लकड़ी की कुटी के भीतर रखो। ध्यान रखो, यदि जरा भी मेरी आज्ञा टाली तो समझ लेना कि तुम्हारे धड़ पर विधाता ने सिर बनाया ही नहीं। और इंदुमती, तू भी कान खोल कर सुन ले, इस युवक के साथ यदि किसी तरह की भी बातचीत करेगी तो तेरी भी वही दशा होगी। इतना कहकर बुढ़ा कुटी के भीतर चला गया और फिर उसी गीता की पुस्तक को लेकर पढ़ने लगा। बुढ़े का विचित्र रंग ढंग देखकर हमारे युवक के हृदय में कैसे कैसे भाव की तरंगे उठी होंगी, इसे हम लिखने में असमर्थ हैं। पर हाँ, इतना तो उसने अवश्य ही निश्चय किया होगा कि यदि सचमुच ये सुंदरी इस बुढ़े की लड़की हो तो विधाता ने पत्थर से नवनीत पैदा किया है। निदान बेचारा युवक अपने भाग्य पर भरोसा रखकर कुल्हाड़ा हाथ में ले पेड़ काटने लगा, और इंदुमती पास ही खड़ी खड़ी टकटकी लगाकर उसे देखने लगी। दो ही चार बार टांगा चलाने से युवक के अंग अंग से पसीने की बूंदें टपकने लगी, और वो इतनी जोर जोर से सांसें लेने लगा जिससे ये जान पड़ता था कि यदि यूं ही घंटे दो घंटे ये टांगा चलाएगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसकी ऐसी दशा देखकर इंदुमती ने उसके लिए फल और जल ला आंखों में आंसू भरकर कहा, सुनो जी, ठहर जाओ, देखो ये फल और जल मैं लाई हूं, इसे खा लो, जरा ठंडे हो लो, फिर काटना, छोड़ो, मान जाओ। युवक ने उसकी प्रेम भरी बातों को सुनकर कहा, सुंदरी, मैं सच कहता हूं कि तुम्हारा मुंह देखने से मुझे इस परिश्रम का कष्ट जरा भी नहीं व्याप्ता। यदि तुम यूं ही मेरे सामने खड़ी रही तो मैं बिना अन्न जल किए सारे संसार के पेड़ काट कर रख दूं। और सुनो तो सही, अपने पिता की बातें याद करो, क्यों नाहक मेरे लिए अपने प्राण संकट में डालती हो, यदि वे सुन लेंगे तो क्या होगा, और मैं जो सुस्ताने लगूंगा तो ये लकड़ियां कौन काटेगा, जब वे देखेंगे कि पेड़ नहीं कटा तो कैसा उपद्रव करेंगे। इसलिए हे सुशीले, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। युवक की ऐसी करुणा भरी बातें सुनकर इंदुमती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बरजोरी युवक के हाथ से कुठार ले लिया और कहा,
भाई चाहे कुछ भी हो पर जरा तो ठहर जाओ, मेरे कहने से मेरे लाए हुए फल खाकर जरा दम ले लो, तब तक तुम्हारे बदले मैं लकड़ी काटती हूं। युवक ने बहुत समझाया पर वो ना मानी और अपने सुकुमार हाथों से कुठार उठाकर पेड़ पर मारने लगी। युवक ने जल्दी जल्दी उसके बहुत कहने से कई एक फल खाकर दो घूंट जल पिया। इतने ही में हाथ में नंगी तलवार लिए बुढ़ा कुटी से निकलकर युवक से बोला, क्यों रे नीच, तेरी इतनी बड़ी सामर्थ्य कि आप तो बैठा बैठा सुस्ता रहा है और मेरी लड़की से पेड़ कटवाता है, रुक अभी तेरा सर काटता हूं। फिर इंदुमती की ओर घूमकर बोला, क्यों रे ढीठ, तूने मेरे मना करने पर भी इस दुष्ट से बातचीत की, रुक जा तेरा भी वध करता हूं। बुढ़े की बातें सुन युवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, महाशय इस बेचारी का कोई अपराध नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, जो कुछ भी दंड देना है वो मुझे दीजिए। इंदुमती भी उसके पैर पर गिर कर कहने लगी, नहीं नहीं पिताजी, इसका कोई दोष नहीं है, मैंने बरजोरी कर इसे कुठार ले ली थी, इसलिए हे पिता अपराधिनी मैं हूं, मुझे दंड दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बुढ़े ने कहा, अच्छा आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूं, पर देखो फिर मेरी बातों का ध्यान ना रखोगे तो मारे जाओगे। इतना कहकर बुढ़ा कुटी में चला गया और वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इंदुमती बोली कि घबराओ मत, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बाकाना होगा। और युवक ने कहा, प्यारी क्यों व्यर्थ मेरे लिए कष्ट सहती हो, जाओ कुटी में जाओ। पर इंदुमती उसके मुंह की ओर उदास हो देखने लगी और वो कुठार उठाकर पेड़ काटने लगा। इतने ही में फिर बाहर आकर बुढ़ा बोला, ओ छोकरे संध्या भाई अब रहने दे, पर देख कल दिन भर में जो सारा पेड़ न काट डाला तो देखियो फिर मैं क्या करता हूं। और सुनती है री इंदुमती, इसे कुटी में ले जाकर सड़े गले फल खाने को दे और गंदला पानी पीने को दे, परंतु सावधान मुख से एक अक्षर भी ना निकलने पाए। और सुन बे लड़के, खबरदार जो इससे कुछ भी बातचीत की तो तुझे जीता ना छोड़ूंगा। ये कहकर बुढ़ा पहाड़ी पगडंडी से गंगा तट की ओर उतरने लगा और उसके जाने पर इंदुमती मुस्काकर युवा का हाथ थामे हुए कुटी के भीतर चली गई और वहां जाकर उसने पिता की आज्ञा को मेट कर सड़े गले फल और गंदले पानी के बदले अच्छे अच्छे मीठे फल और सुंदर साफ पानी युवक को दिया। और युवक के बहुत आग्रह करने पर दोनों ने साथ मिलकर फलाहार किया। फिर दोनों बुढ़े के आने में देर समझकर बाहर चांदनी में एक साथ ही चट्टान पर बैठकर बातें करने लगे। आधी रात जा चुकी थी, वन में चारों ओर भयानक बनैले जंतुओं के गरजने की ध्वनि फैल रही थी। चार आदमी हाथ में तलवार और बर्छा लिए कुटी के चारों ओर पहरा दे रहे थे। कुटी से थोड़ी ही दूर पर एक ढालुआ चोटी पर 10-12 आदमी बातें कर रहे थे। चलिए पाठक देखिए ये लोग क्या बातें करते हैं। आहा, ये देखिए इंदुमती का पिता एक चटाई पर बैठा है और सामने 10-12 आदमी हाथ बांधे जमीन पर बैठे हैं। बड़ी देर सन्नाटा रहा, उसके बाद बूढ़े ने कहा, सुनो भाइयों, इतने दिनों पीछे परमेश्वर ने हमारा मनोरथ पूरा किया, जो बात एक प्रकार से अनहोनी थी सो अपने आप हो गई। ये परमेश्वर ने ही किया, नहीं तो बेचारी इंदुमती का बेड़ा पार कैसे लगा। देखो जिस युवक की रखवाली के लिए आज तीसरे पहर मैंने तुम लोगों से कहा था, वो अजयगढ़ का राजकुमार या यो कहो कि अब राजा है। इसका नाम चंद्रशेखर है। इसके पिता राजशेखर को उसी बेईमान काफिर इब्राहिम लोधी ने
दिल्ली में बुला, विश्वासघात कर मार डाला था। तब से ये लड़का इब्राहिम की घात में लगा था। अभी थोड़े दिन हुए जो बाबर से इब्राहिम की लड़ाई हुई है, उसमें चंद्रशेखर ने भेस बदल कर और इब्राहिम की सेना में घुसकर उसे मार डाला। ये बात कहीं एक सेनापति ने देख ली और उसने चंद्रशेखर का पीछा किया। निदान ये भागा और कई दिन पीछे उसे द्वंद युद्ध में मार अपने घोड़े को गवा, राह भूलकर अपने राज्य की ओर न जाकर इस ओर आया और कल मेरी कन्या का अतिथि बना। आज उसने ये सब ब्योरा जलपान करते करते इंदुमती से कहा, जिसे मैंने आड़ में खड़े होकर सब सुना। वे दोनों एक दूसरे को जी से चाहने लगे हैं, तो इस बात के अतिरिक्त और क्या कहा जाए कि परमेश्वर ही ने इंदुमती का जोड़ा भेज दिया है और साथ ही उस दयामय ने मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी की। इतना सुनकर सभी ने जय ध्वनि के साथ हर्ष प्रकट किया और बूढ़ा फिर कहने लगा, मेरी इंदुमती 16 वर्ष की हुई, अब उसे कुआरी रखना किसी तरह उचित नहीं है। और ऐसी अवस्था में जबकि मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और इंदुमती के योग्य सुपात्र वर भी मिला, उसने इंदुमती से प्रतिज्ञा की है कि प्यारी, मैं तुम्हें प्राण से बढ़कर चाहूंगा और दूसरा विवाह भी ना करूंगा जिससे तुम्हें सौत की आग में न जलना पड़े। भाइयों देखो, स्त्री के लिए इससे बढ़कर कौन बात सुख देने वाली है। मैंने जो चंद्रशेखर को देखकर इतना क्रोध प्रकट किया था, उसका आशय यही था कि यदि दोनों में सच्चा प्रीति का अंकुर जमेगा तो दोनों का ब्याह करा दूंगा, और जो ऐसा ना हुआ तो युवक आप डर के मारे भाग जाएगा। परंतु यहां तो परमेश्वर को इंदुमती का भाग्य खोलना था और ऐसा ही हुआ। बस कल ही मैं दोनों का ब्याह करके हिमालय चला जाऊंगा और तुम लोग वर कन्या को उनके घर पहुंचाकर अपने अपने घर जाना। 12 वर्ष तक जो तुम लोगों ने तन मन धन से मेरी सेवकाई की, इसका ऋण सदा मेरे सर पर रहेगा और जगदीश्वर इसके बदले में तुम लोगों के साथ भलाई करेगा। इतना कहकर बुढ़ा उठ खड़ा हुआ और वे लोग भी उठे। बुढ़ा कुटी की ओर घूमा और वे लोग पहाड़ी के नीचे उतर गए। आहा प्रेम, तू धन्य है जिस इंदुमती ने आज तक देवता की भांति अपने पिता की सेवा की और भूलकर भी कभी आज्ञा न टाली। आज वो प्रेम के फंदे में फंसकर उसका उल्टा बर्ताव करती है। वृद्ध ने लौटकर क्या देखा कि दोनों कुटी के पिछवाड़े चांदनी में बैठे बातें कर रहे हैं। ये देख वो प्रसन्न हुआ और कुटी में जाकर सो रहा। पर हमारे दोनों नए प्रेमियों ने बातों ही में रात बिता दी। सवेरा होते ही युवक कुठार ले लकड़ी काटने लगा और इंदुमती सारा काम छोड़कर खड़ी खड़ी उसके मुख की ओर देखने लगी। थोड़ी ही देर में युवक के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और चेहरा लाल हो आया। इतने में वृद्ध ने आकर गरज कर कहा, ओ लड़के बस, पेड़ पीछे काटियो, पहले जो लकड़ियां काटी है उन्हें उठाकर कुटी के पिछवाड़े ढेर लगा दे। इतना कहकर बुढ़ा चला गया और युवक लकड़ी उठा उठाकर कुटी के पीछे ढेर लगाने लगा। उसका इतना परिश्रम इंदुमती से न देखा गया और बड़े प्रेम से वो उसका हाथ थाम कर बोली, प्यारे ठहरो, बस करो, बाकी लकड़ियां मैं रख आती हूं। हाय, तुम्हारा परिश्रम देखकर मेरी छाती फटी जाती है। प्यारे तुम राजकुमार होकर आज लकड़ी काटते हो, ठहरो, तुम यहीं सुस्ता लो। युवक ने मुस्कुराकर कहा, प्यारी सावधान, ऐसा भूलकर भी ना करना, अपने पिता के क्रोध को याद करो। अब कि उन्होंने तुम्हें लकड़ी उठाते या हमसे बोलते देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुनकर इंदुमती की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, प्यारे
मेरे पिता का तो बहुत अच्छा स्वभाव था, सो तुम्हें देखते ही एकदम से ऐसा बदल क्यों गया? वे तो ऐसे कभी नहीं थे। अब उन्हें क्या हो गया है? आज तक मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा था। खैर जो हो, पर तुम ठहरो, दम ले लो, तब तक मैं इन लकड़ियों को फेंक देती हूं। युवक ने कहा, प्यारी मैं क्या राक्षस हूं कि अपनी आंखों के सामने तुम्हें लकड़ी ढोने दूंगा? हटो, ऐसा नहीं होगा। सच जानो, तुम्हें देखने से मुझे कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता। इंदुमती ने उदास होकर कहा, हाय प्यारे, तुम्हारे दुख देखकर मेरे हृदय में ऐसी वेदना होती है कि क्या कहूं। जो तुम इसे जानते तो ये सब ना कहते। पीछे लता मंडप में खड़े खड़े वृद्ध ने दोनों की बातें सुनकर बड़ा सुख मनाया, पर अंतिम परीक्षा करने के अभिप्राय में नंगी तलवार ले सामने आ गरज कर कहा, इंदुमती, कल से आज तक तूने मेरी सभी बातों का उलट बर्ताव किया है। फल और जल की बात याद कर और तू फिर इससे बात करती है। देख, अब मैं तेरा सर काटता हूं। कहकर जो ही वो इंदुमती की ओर बढ़ा कि चट युवक उसके पांव पकड़कर कहने लगा, आप अपने क्रोध को दूर करने के लिए मुझे मारिए, ये सब दोष मेरा है, मैं दंड के योग्य हूं। ये सब तरह से निरपराधिनी है, मेरा सिर आपके पैरों पर है, काट लीजिए, पर मेरे सामने एक निरपराध लड़की के प्राण न लीजिए। वृद्ध ज्यों ही अपनी तलवार युवक की गर्दन पर रखना चाहता ही था कि इंदुमती पागल की तरह उसके चरणों पर गिरकर बिलख बिलक कर रोने और कहने लगी, पिताजी पिताजी, मारना ही है तो पहले मेरा सिर काट लो और फिर पीछे जो जी में आए वो करना। इतना सुन बुढ़े ने तलवार दूर फेंक दी और दोनों को उठा गले लगाकर कहा, बेटी इंदुमती, धीरज धर और प्रिय वत्स चंद्रशेखर, खेद दूर करो। मैंने केवल तुम दोनों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सब प्रकार का क्रोध का भाव दिखलाया था। यदि तुम दोनों का सच्चा प्रेम ना होता तो क्यों एक दूसरे के लिए जान पर खेलकर क्षमा चाहते? और सुनो, मैंने छिपकर तुम्हारी सब बातें सुनी हैं। तुमसे बढ़कर संसार में दूसरा कौन राजकुमार है जो इंदुमती के वर बनने योग्य होगा? सुनो, देवगढ़ मेरे पुरखाओं की राजधानी थी। जबकि इंदुमती 4 वर्ष की थी, पापी इब्राहिम ने मेरे नगर को घेर ये कहलाया था कि या तो अपनी स्त्री को भेज दो या जंग करो। ये सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया और उसके दूत को मैंने निकलवा दिया। फिर क्या पूछना था, सारा नगर यवन हत्यारों के हाथ से शमशान हो गया। मेरी स्त्री ने आत्महत्या की और मैं उस यवन कुल कलंक से बदला लेने की इच्छा से 4 वर्ष की अबोध लड़की को ले इस जंगल में आकर रहने लगा। मेरे कृतज्ञ सरदारों में से 50 आदमियों ने अपना सर्वस्व त्याग कर मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ हैं। उन्हीं लोगों में से कई आदमियों को तुमने कल देखा था। बेटा चंद्रशेखर, 12 वर्ष हो गए, पर ऐसी सावधानी से मैंने इस लड़की का लालन पालन किया और इसे पढ़ाया लिखाया कि जिसका सुख तुम्हें आप आगे चलकर इसकी सुशीलता से जान पड़ेगा। और देखो, मैंने इसे ऐसे पहरे में रखा कि कल के सिवा और कभी इसने मुझे छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य की सूरत ना देखी। मैंने राजस्थान के सब राजाओं से सहायता मांगी और ये कहलाया कि जो कोई दुष्ट इब्राहिम का सर काट के लाएगा उसे अपनी लड़की ब्याह दूंगा। पर हाँ, किसी ने मेरी बात ना सुनी और सभी मुझे पागल समझकर हंसने लगे। अंत में मैंने दुखी होकर ये प्रतिज्ञा की कि जो कोई इब्राहिम को मारेगा उसी से इंदुमती ब्याही जाएगी, नहीं तो ये जन्म भर कुआरी ही रहेगी। सो परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में बैठकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अब से इंदुमती तुम्हारी हुई,
और आज मैं बड़े भारी बोझ को उतार कर आजन्म के लिए हल्का हो गया। इतना कहकर बुड्ढे ने सीटी बजाई और देखते देखते 50 जवान हथियारों से सजे घोड़ों पर सवार आ खड़े हुए। उनके साथ एक सजा हुआ घोड़ा चंद्रशेखर के लिए और एक सुंदर पालकी इंदुमती के लिए थी। इसी समय बुड्ढे ने दोनों का विवाह कर उन्हें वीरों के साथ विदा किया और आप हिमालय की ओर चला गया। आहा, जो इंदुमती इतने दिनों तक वन विहंगिनी थी वो आज घर के पिंजरे में बंद होने चली। परमेश्वर की महिमा का कौन पार पा सकता है। इस कहानी का प्रथम प्रकाशन सरस्वती मैगजीन में 1990 में हुआ था।